कालाकोट में पशुपालन मंत्री एवं कालाकोट के विधायक अब्दुल गनी कोहली ने अपने विधानसभा कालाकोट में चल रहा पशु अस्पताल पर पिछले दो दिनों से ताला लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे अस्पताल खुद बीमार हो। यहां पर अपने पशुओं का इलाज करवाने आए लोगों ने बताया कि पिछले दो दिनों से वह लगातार इस अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ ताला लटका हुआ होता है। अपने पशु का इलाज करवाने आए मोहम्मद हुसैन ने बताया कि वह 2 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चलने के बाद यहां पहुंचे, मगर यहां पर अस्पताल बंद होने के कारण वह निराश होकर लौट रहे हैं। वहीं इस अवसर पर कालाकोट के युवा नेता निर्मल सिंह ने आरोप लगाया कि यहां के विधायक को लोगों ने कीमती वोट देकर विधायक बनाया है, मगर विधायक साहब के अपने ही विभाग में आने वाला अस्पताल खुद बीमार पड़ा है, तो वह किसी के पशुओं का इलाज क्या करेगा। ऐसा एक आदमी आया यहाँ से, डॉक्टर साहब का नंबर जो इस पे डोर पर लिखा हुआ है, तो वो उसने अपने हाथ पर लिखकर ले गया। वो बोला मैं इसको फोन करूंगा, मुझे प्रॉब्लम है। मैं सुबह भी आया था, इस वक्त भी आया, मेरी भैंस बीमार है, तो ये हालत है यहाँ की। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा मुझे मेरी गाय बीमार थी और दूसरा मेरे कुत्ता भी थोड़ा बीमार था, तो मैंने कहा चलो इधर आकर मैं देखता हूँ हॉस्पिटल के पास शिवस मंडी ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे गाय के बारे में दवाई लाऊंगा, किसी डॉक्टर से मिलूंगा। तो यहाँ देखा तो ऑफिस बंद पड़ा, ना यहाँ पे कोई चपरासी, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर। तो बड़ी अफसोस की बात है जी, हम जैसे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम, जो यहाँ पे सिटी के रहने वाले हैं उनको यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, जो बाहर के लोग उनका क्या होगा। मुझे ये मंत्री साहब के ऊपर ये दुख की बात कहता हूँ मैं, कि हमारे मंत्री साहब जो है अब्दुल गनी कोहली जी, वो इसी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं और वो यहीं के कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के वो MLA विधायक बने हैं, यहाँ से मंत्री बनकर गए हैं वो, तो उनके ये ऑफिस की ये हालत है, तो ये जनता का क्या हाल करेंगे। मैं खुद प्रेजिडेंट हूँ यूथ कांग्रेस का, तो मैं एक पार्टी के नाते, एक समाज कार्य के नाते से कहता हूँ कि बाकी जनता के साथ ऐसा बात दुर्भोग मत करो। और जे मेरे हमारे SDM साहब हैं वो तो कोई तवज्जो नहीं देते। 24 आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।